Hello everyone, this is Physics Solution RK and welcome to a new content of Ray Optics. In this lecture, we are going to discuss about another application of total internal reflection, that is totally reflecting prisms and porous prisms and optical fibers. तो देखो पिला माने आज हम जहाँ पढ़ाई पे जाउछंती एटा होउजी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो आउ दिटा एप्लीकेशन या पूर्वरो आमे तीनटा एप्लीकेशन पढ़ी दैतिले जहाँ कि थिला आमर कोन ना प्रथम थिला डायमंड्स काहे कि डजल्स करे डायमंड्स काहे चक चक करे ता सहित मिरर्स केमिति प्रोड्यूस हुए इनफेरियर मिरर्स कोन सुपीरियर मिरर्स कोन जहाँ विषय के हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैछंती बा जो माने से वीडियो लेक्चर देखिनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दैछि तमे चाहे चेक कर पारिबो एंड आउ गोटे कथा हूँ जदि तुम किसी भी चैप्टर नोट्स दरकार एंटायर चैप्टर तुम नोट्स दरकार निहात रूप में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अच्छे मतलब व्हाट्सएप रे मेसेज कले मुझे भी चैप्टर तुमको नोट्स दे पारिबि आउ गोटे कथा है एमती ओडिया लांगुएज वीडियो देखा पहले निहात रूप में सब्सक्राइब करूँ आज वीडियो पसंद लगे वीडियो को लाइक करेंगे तो ठीक अच्छे तो आज आम पढ़ाई जाऊँ आउ गोटे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगो फास्ट पे मन पकई जे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहला एक्चुअली कौन देख पिला माने जदि गोटे रे ऑफ लाइट मोर डेंसर मीडियम रु रेयरर मीडियम को जाउची आउ सही जगह जदि एंगल ऑफ इंसिडेंसटा क्रिटिकल एंगल्स रु अधिक होता है ताहले ए रे ऑफ लाइटा जो मीडियम रु जाउची अर्थात जो डेंसर मीडियम गला फोनि सही डेंसर मीडियम को फेरी आसीबो ए फेनोमेना को कहा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कथा पड़ुची एमती गोटे प्रिजिम नवा आम जो प्रिजिम टाक टोटाली लाइटा को ही कौन कर दिए ना रिफ्लेक्टेड कर दिए तमें तुम्हें जदि तापर गोटे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर तुम्हें तुम इच्छा सिंपल गोटे प्रिजिम टे मुझे नेबी जदि से प्रिजिम उपर जेको गोटे आंगेल आसुचुना कहीं जदि तापर गोटे रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करे से जगह सब बड़े से लाइटा कौन कर दिए रिफ्लेक्ट कर दिए देख पिला माने एक्चुअली प्रिजिम टा तो आम ग्लास मटेरियल तैयारी तो कथा हो तो लाइट को रिफ्रैक्शन करिया कथा रिफ्लेक्शन कहीं करला कहीं देख पिला माने मु तुमको एमित गोटे प्रिजिम रो कथा कहे पें जाउची जहाँ को मु कहूची राइट आंगल आइसोस्केल्स प्रिजिम राइट आंगल आइसोस्केल्स प्रिजिम कहले समकोणी समद्विबाह भाव जहाँ दुटा आंगल्स हो 45 डिग्री आ गोटे आंगल्स हो 90 डिग्री तेणु ये प्रिजिम टाक एमती रूप तैयारी ए प्रिजिम सूप लक्ष्य कर यही तुम गोटे राइट आंगल्स आइसोस्केल्स प्रिजिम्स जहाँ कि गोटे आंगल्स हूँ 90 आउ दुटा आंगल्स हूँ 45 डिग्री तेणु रे ऑफ लाइटा जमीती भी आसुचना ना कहीं अलवेज आंगल ऑफ इंसिडेंसटा 45 डिग्री हम आम जानते ग्लास क्रिटिकल आंगल्स देख पे ग्लास क्रिटिकल आंगल्स आम जानते के 45 डिग्री तो ये आइसोस्केल्स आंगल्स जोकोसी आंगेल रु आसुचना कहीं गोटे रे ऑफ लाइट से तुम नॉर्मल ड्र कर से आंगेल्सटा के 45 डिग्री होता मैंने तुम ये जगह आंगल ऑफ इंसिडेंसटा आंगल ऑफ क्रिटिकल आंगल्स टू बड़ है तेने यार पे क्रिटिकल आंगल्स होते 42 डिग्री क्रिटिकल आंगल्स तो 42 डिग्री किंतु जो जितेबाला लाइट जो पटु आसुचना कहीं ए ग्लास ऑफ इंसिडेंस हेले तार आंगल ऑफ इंसिडेंसटा के 45 डिग्री तामने आम कहले ये 45 डिग्री तमें आंगल ऑफ इंसिडेंसटा क्रिटिकल आंगल्स टू बड़ हो आम जानते जदि आंगल ऑफ इंसिडेंसटा क्रिटिकल आंगल्स टू बड़ हुए से लाइट आ कौन करदेव टोटाली रिफ्लेक्ट करदेव जो प्रिजेन्सटा एमती टोटाल लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिए कह जाए टोटाली रिफ्लेक्टिंग प्रिजिम आईटा हूँ तुम गोटे राइट आंगल आइसोस्केल्स आंगल्स आउ ए प्रिजिम को आम कहीं पढ़ा ना ये प्रिजिम्स कौन करे ना रे ऑफ लाइटा को 90 डिग्री डेभियस करे बा 180 डिग्री डेभियस करे आउ या इट इज यूज अल्सो यूज टू प्रड्यूस आन इनवर्टेड इमेज ऑफ अ सेम साइज आउ ए प्रिजिमटा आम एप पढ़ा सी जो इमेजटा प्रड्यूस कर ऑब्जेक्टा जितकी हाइट्रे थी इमेज टाइम से हाइट्रे थी कि इनवर्टेड इमेज प्रड्यूस हे जमीक तुम डायग्राम देखिपुव तो लक्ष्य कर पे मैंने जगह मुझे दुटा राइट आंगल्स आइसोस्केल्स प्रिजिम्स नहीं फास्टा गोटे प्रिजिम्स नहीं देख ये प्रिजिम्रे ये मोर गोटे पे गोटे अब्जेक्ट एबी हो एबी रो ए पर्सन रु मन कर गोटे रे ऑफ लाइट ए प्रिजिम उपर इंसिडेंस होमें एवं कहले प्रिजिमटा को जो पटु भी आंगल जो पटु भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होना कहीं निहत 45 डिग्री हे तो जो 45 डिग्री होगा
माने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल टू बड़ होगा एवं से रे अपलाइट कौन करते पे माने रिफ्लेक्शन न करी से रिफ्लेक्ट कर देला सेमती बी एंड रु गोटे रे ऑफ लाइट आसूँ ए भी कौन कर देला रिफ्लेक्ट कर देला आज जो ए रिफ्लेक्टर रे गुटा जॉइन कलु आम गोटे इमेज पाइलु सेटा एडियस बीडियस आउ ये जगह देख रे ऑफ लाइट जो डेविएशन हो 90 डिग्री डेविएशन है एमती पे कौन है 90 डिग्री डेविएशन है तेणु से कह टू डेविएट ए रे इन 90 डिग्री एई भली प्रिज्म को आम जब रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री डेविएशन करने जाऊँगी आम यही प्रिज्म साहय नवा आउ गोटे यार गोटे एग्जांपल्स हूँ पेरिस्कोप देख पे पेरिस्कोप कहले कौन तुम लक्ष्य कर पेरिस्कोप हूँ एमती गोटे डिवाइस टे पेरिस्कोप इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट इन द सेम लेवल माने या तुम कहीं यूज कर मन गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी एक्चुअली ऑब्जेक्ट बहुत हाइट अच्छे मनकर ऑब्जेक्ट बहुत तले अच्छे तो जदि मोर ऑब्जेक्ट बहुत हायर पोजिशन थाए जदि मोर ऑब्जेक्ट तल पोजिशन थाए आम कौन करते ना आम सेम लेवल देखापी मनकर मो बेक पीड़ा होती मुझे देखिपरि ना तो जदि गोटे ऑब्जेक्ट एम गोटे हायर पोजिशन अच्छी मुझे सेम लेवल मैं मो आखिटा जो लेवल अच्छी जो मुझे लेवल देखापी चाहे तालोले मुझे गोटे पेरिस्कोप साहय नेबी आउ गोटे पेरिस्कोप यही देखापी ताला आम पेरिस्कोप कौन ना पेरिस्कोप हूँ पेरिस्कोप इज यूज टू सी एन ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट इन द सेम लेवल जदि ऑब्जेक्ट आम सेम लेवल न थाए ताकू सेम लेवल देखापी आम पेरिस्कोप साहय नवा आ पेरिस्कोपटा यहाँ गोटे पेरिस्कोप डायग्राम मनकर गोटे गोटे आपलटे अच्छी गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी मुझे ये जगह ठिया होती मुझे ठिया होती मुझे जगह ठिया होती मो लेवल ऑब्जेक्ट ना एठ ऑब्जेक्ट थी मत किसी असुविधा ना था जेहेतु ऑब्जेक्ट गोटे हायर लेवल अच्छी मुझे पेरिस्कोप नौ मैंने यही ऑब्जेक्ट रू पे कौन होती ऑब्जेक्ट रू रे ऑफ लाइट आम आसूस कौटे इनसीडेन्स हो देख पे ये इनसीडेन्स हो कल एंगल्सा के 45 डिग्री आउ ये रे ऑफ लाइट कौन करदे ना टोटाल रिफ्लेक्ट करदे के एंगल्स डेविएट्स कर ना 90 डिग्री डेविएट्स कर तो ये कौन कला ना रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री डेविएट्स कला ये फोन 45 डिग्री ये फोन ताक छाड़देला जहाँफल कि ऑब्जेक्ट सेम लेवल न थे जेहेतु ऑब्जेक्ट टू रे ऑफ लाइट आसूस 90 डिग्री डेविएट्स होने आम आखि पाखे पड़ू जहाँफल कि आम ऑब्जेक्ट को क्लीयरली देखिपुट तो यहाँ है गोटे एग्जांपल्स ऑफ कहार ना गोटे टोटाली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म गोटे एग्जांपल्स एवं आम आउ गोटे प्रिज्म पढ़ा सेकेंड एग्जांपल्स से मोर गोटे पुरु प्रिज्म पुरु प्रिज्म यो डायग्रामा कर पिला माने पुरु प्रिज्म कहले कौन मुरंभ कही जो टोटाली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म अच्छी ये आइदर रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री डेविएट्स करे और रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री डेविएट्स करे आम तो 90 डिग्री पे एग्जांपल्स पढ़ीदे एवं जब से रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री डेविएट्स करिवो केमिति करिवो देख मन कर पे ये गोटे मुझ राइट आंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल्स नहीं मोर 45 डिग्री ये मोर 45 डिग्री ये कि तुम हूँ कौन ना 90 डिग्री तो देख ये गोटे ऑब्जेक्ट ए भी है जिते गोटे ऑब्जेक्ट ए रु रे ऑफ लाइटा ए प्रिज्म उपरे इंसिडेंस कर एमती प्रिज्म उपरे इंसिडेंस कला ये लाइटा को 90 डिग्री डेविएट्स कला सेमती बी पॉइंट रे ऑफ लाइट गला ये मत 90 डिग्री डेविएट्स कला एवं एठ पुणी कौन आसू ना 180 डिग्री देखने आसू ता देख पे ऑब्जेक्ट रु इंसिडेंस रेटा एमती पारलाल मन कर गला एवं जो रिफ्लेक्टेड रेट आसूस अपोजिट डिरेक्शन आस मैं आंटी पारलाल आसूस इनसीडेंस रेट एमती जाऊँगी रिफ्लेक्टेड रेट एमती आसूस तमें के 180 है कि ना तो से आम कहीं पढ़ा ना टू डेविएट ए रे इन 180 डिग्री गोटे जो रे ऑफ लाइट को आमको 180 डिग्री डेविएट्स करने थाए तो आम यही गोटे पुरु प्रिज्म साहय ना जो थे कि इमेजटा ऑब्जेक्ट रो साइज जहाँ अच्छी इमेज रो साइज मध्य से हम कि इनवर्टेड इमेज हम तो देख यही जगह जो रिफ्लेक्टेड रे गुड़ाक आस इनसीडेन्स होटा मोर एडियस बीडियस गोटे इमेज प्रड्यूस जो इमेजटा कि मोर कौन हो ना इनवर्टेड इमेज अच्छी ता सहित कि सेम साइज अच्छी ताल पुरु प्रिज्म आम कहीं पढ़ा ना पुरु प्रिज्म आम एपाई पढ़ा जो गोटे ऑब्जेक्ट रो साइज जीक इमेज रईज से हम कि इनवर्टेड इमेज हम तो यहाँ हूँ तुम गोटे पुरु प्रिज्म एग्जांपल्स तो ये तुम थी गोटे आप्लिकेसन एम सेकेंड आप्लिकेसन को जीटा हूँ आम कौन ऑप्टिकल फाइबर्स देख पे तुम सब जाच ये ऑप्टिकल फाइबर्स ना शुच आउ तुम जाच यार यूजेस कौन जाच मुगुआ तर यूजेस कही दूँ आम ऑप्टिकल फाइबर्स कहीं पढ़ा ना ऑप्टिकल फाइबर्स एक्चुअली कामटा कौन करे ना यहाँ एक्चुअली मेडिकल मेडिकल आउ ऑप्टिकल एग्जामिनेशन या बहुत यूज करा जाए मेडिकल पर्पस यूज करा जाए आ सब इंपोर्टेंस तरह यूजेस हो टेलीकम्युनिकेशन
आम जो पे जो इंटरनेट चलाउं इंटरनेट केमती चलुच कि तुम सब घर बस कि इंटरनेट चलाउ गूगल सर्च करो फेसबुक चलाउ यूट्यूब देखु इंस्टा चलाउ व्हाट्सएप चलाउ तो तुम जो इंटरनेट चलाउ तुम जो टीवी देखु टेलीकम्युनिकेशन हो ये केमी हो ना ये ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल कौन करे ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छी से बोहबारे साहय कै यहाँ तुम मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन यूज कराला टेलीकम्युनिकेशन यूज कराला इट इज यूज इन रिफ्रैक्टोमीटर आई रिपीट्स इट इज यूज इन रिफ्रैक्टोमीटर कह सर रिफ्रैक्टोमीटर कौन आम तो कहीं आगे पढ़े ना तो देख पे रिफ्रैक्टोमीटर कह इट इज ए डिवाइस व्हिच इज मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिफ्रैक्टोमीटर कहले जो डिवाइसटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करे ताको रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाए ताले ये ऑप्टिकल फाइबर्स को नहीं आम रिफ्रैक्टोमीटर तैयारी आउ गोटे कथा हो तुम जो व्हाट्सएप वीडियो सेंड कर जो फोटो सेंड कर जो टू डायमेंशनल पिक्चर सेंड कर जो इटा केमी हो कि ऑप्टिकल फाइबर्स बोहबार साहय कै बुझला कथ पाने तो आम यूजेस कौन जाणीगले एक्चुअली गुड़ा यूजेस ताले एटा एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर्स कौन कहतु देख पे ऑप्टिकल फाइबर्स हूँ गोटे थीन लॉन्ग स्ट्रैंड क्वालिटी मेड इन ग्लास और क्वार्ट्ज मटेरियल सराउंडेड बाय अनदर ग्लास मटेरियल हैविंग स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सर कौन कौन किसी बुझेलानी आउथ बुझा देख पे ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स अच्छी ये गोटे बहुत पतला से कहे आम चुट्टी गोटे चुट्टी जी पतला पाखापाखि से पतला हूँ गोटे ऑप्टिकल फाइबर्स जो जहाँकि कोटिंग करे सराउंडिंग कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा तारू टे कम थाए तम से लिखला एंड ऑप्टिकल फाइबर्स इज ए हेयर थीन लॉन्ग स्ट्रैंड क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज एटा गोटे हेयर जी पतला से पतला जहाँकि क्वार्ट्ज आ ग्लास या सराउंडेड बाय ए ग्लास फिर ताकू आउ गोटे ग्लास सराउंड कर कोटिंग ऑफ अ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तम से ऑप्टिकल फाइबर्स को जो ग्लास टा कोटिंग कर तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टी कम थाए देख पे जो एग्जांपल देखु जो डायग्राम्स देखु ये है ऑप्टिकल फाइबर्स कंस्ट्रक्शन डायग्राम देख एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली तीन टा मेन पार्ट थाए गोटे हूँ कोर गोटे हूँ क्लाडिंग आ गए बफर कोटिंग देख जो कोर अच्छे कोर टा हूँ ऑप्टिकल फाइबर्स सेंटर यहाँ हूँ मेन जिनसा कोर कोर कह मुख्य तो जो जहाँ मन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे मी वन ये सेन्टर थाए एबे याकू किए कोटिंग करा कोटिंग कर ये कोटिंग कराई ये ऑप्टिकल फाइबर्स टाक गोटे ग्लास मटेरियल कोटिंग कराई मनकर जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती मिउ टू आउ आम कहले जहाँ ये जो कोटिंग कराई या नाँटा है क्लाडिंग आउ ये क्लाडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था क्या अपेक्षा कोर अपेक्षा तम मैंने कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका तम मैंने कोर्ट है डेन्सर ये रेयर तो जिते बड़े गोटे रे अफ लाइट मोर कोर क्लाडिंग को जाए तम डेन्सर मीडियम एयर मीडियम को जाए पुणी से जब आंगेल अफ इन्सीडेन्सटा क्रिटिकल आंगेल्स टू बड़ हो जाए से रे अफ लाइट किए पुणी कौन करदेव ना रिफ्लेक्ट करदेव तम ये जगह टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि नहीं पाने जेहेतु कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा क्लाडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रु अधिक अच्छी रे अफ लाइटा डेन्सर रेयर मीडियम को गला आंगेल अफ इन्सीडेन्सटा क्रिटिकल एंगल्स टू बड़ है तेणु से रे अफ लाइट पुणी रिफ्लेक्ट करदेला ताने ये जगह टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जेकि आम कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं आउ देख कह सीटा पुणी कौन ना ये गोटे बफर कोटिंग ये गोटे बफर कोटिंग कौन पर ना ये जेहेतु गोटे बहुत पतला अच्छी तार प्रोटेक्ट करने तार सेफ्टी आम गोटे बफर कोटिंग बफर रोटिंग करके घोड़े आउ एमती केते गुड़े ऑप्टिकल फाइबर्स को नहीं आम ऑप्टिकल केबुल तैयारी होता है एमती केते गुड़े ऑप्टिकल फाइबर्स को नहीं आम ऑप्टिकल केबुल तैयारी होता है तो हम पे इंटरनेट गूगल सर्च कर ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल केबुल डायग्राम देखिपर तार एटा केमी लाइट प्रोपागेशन हो सर कहतु देख ये जो डायग्रामा कर आमर ये ऑप्टिकल फाइबर्स जिते अधिक बेंड हम लाइटा से अधिक इजिली पास कर आउ गोटे कथा जान ये टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस रे लाइट रो इंटेंसिटी टा कौन सी फरक पड़े ना तेणु जो लाइटा जमीती जाए सेमती लाइटा बाहरी आसे तो देख ये जगह तो गोटे रे अफ लाइट मोर से ऑप्टिकल फाइबर्स जो पास करुच्ची आम तो कहे रिफ्लेक्शन हो तो ये बाड़ेगा एमती रिफ्लेक्शन हो गला यही जगह कौन हुए ना रे अफ लाइटा जेहतु मोर डेन्सर मीडियम रु रेयर मीडियम को जाऊँगी तेणु से लाइटा को टोटाली कौन कर दिए ना रिफ्लेक्ट कर दिए जहाँफल कि आउ गोटे कथा जे इंटेन्स तो लस होनी तेनाली लाइटा जामी लाइटा बाहरी आसूँ आउ ये ऑप्टिकल फाइबर से तो अधिक बेंड हम लाइटा सेमती शीघ्र भलसे पास कर पार तो ये तुम सारा डिटेल्स अबाउट ऑप्टिकल फाइबर्स यूजेस विषय तो मुझे कहली तो आज ये था
नेक्स्ट क्लास में आम आउ किसी डिस्कसन करवा आउ किसी आप्लिकेसन पढ़ा। थैंक यू।